तो भाई बहुत टाइम से ना HP का कोई थिन एंड लाइट लैपटॉप नहीं लाए थे, हाजिर है फिर आज। कमी नहीं होनी चाहिए। ये अपना HP 15 मॉडल नंबर देख सकते हो। HP के ना मॉडल नंबर में कंफ्यूजन बहुत रहता है। i5 1335U आईरिस एक्सी ग्राफिक्स के साथ खोल ले। अब मैं खोल चुका हूँ, पहले दोबारा खोल लेते हैं। ये रहा अपना लैपटॉप, एक छोटा सा कागज आता है, एक अपना 65 वाट्स वाला पावर अडैप्टर, ये वाली पिन आती है इसके साथ, और एज यूजुअल एक अपनी पावर कोर्ड। HP वालों का सही है, कोई कागजी कार्रवाई देते ही नहीं है। इसी में सब दे दिया। ये रहा भाई सुंदरता से भरा हुआ सिल्वर फिनिश के साथ। तो ये रहा अपना स्लिम एंड स्लीक डिजाइन वाला एक थिन एंड लाइट HP का लैपटॉप। और भाई कुछ भी कहो, दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब प्रीमियमनेस दूर से दिख रही है। सेंटर में HP का लोगो, मिरर फिनिश के साथ, प्लास्टिक बॉडी है ये, पीछे से भी अपना प्लास्टिक बॉडी में आता है, और यहाँ पर कुछ वेंट्स दे रखे हैं, और दो अपने डाउन फायरिंग स्पीकर्स, और बिल्कुल मिनिमलिस्टिक प्लेन डिजाइन है पीछे से भी, जैसे हल्के फुल्के लैपटॉप से तुम उम्मीद भी करोगे, प्रोफेशनल वाला मजा। बाकी यहाँ एक डिजाइन एलिमेंट दे रखा है ऊपर की साइड, जो कि सही लग रहा है, और एजेस देख सकते हो तुम काफी ज्यादा कर्व्ड है, मतलब एकदम बॉक्सी जैसी फीलिंग आती है, बढ़िया लगता है ओवरऑल, नो डाउट काफी ज्यादा HP पेविलियन से इंस्पायर्ड लगता है। और एक हाथ से ओपन करना चाहे तो नहीं होगा भाई, दो हाथ तो लगेंगे इसके अंदर, क्यों करवा रहे हो यार मेहनत। बाकी अंदर से भी देख सकते हो काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक डिजाइन आता है। अब एग्जॉस्ट वेंट ढूंढ रहे होगे, तो मैं भी ढूंढ रहा था। एग्जॉस्ट वेंट यहाँ अपने हिंज के अंदर घुसा रखा है, ज्यादातर थिन एंड लाइट में यहीं पे होता है, टेंशन मतलब इससे कोई डिस्प्ले पे हार्म नहीं आता। तो ओवरऑल पूरा प्लास्टिक बॉडी में आता है, लेकिन डेफिनेटली प्रीमियम लगेगा तुम्हें। एज सच मिनिमलिस्टिक और सिंपल सा डिजाइन पसंद है तो बहुत सही लगने वाला है तुम्हें। बाकी हिंज भी मुझे इसका स्टेबल लगा, एज सच कोई दिक्कत नहीं आती, एंड मैक्सिमम इतना रोटेट हो सकता है। बाकी फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड फ्लेक्स डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमें मिलेगा, प्लास्टिक बॉडी में होता है जितना उतना, एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी हल्का फुल्का मिलता है वही प्लास्टिक बॉडी जितना। बाकी वेट इसका कुछ 1.6 केजी के आसपास, तो काफी ज्यादा लाइट वेट फील होने वाला है। अगर कॉलेज स्टूडेंट वगैरह लेके घूमना चाहते हैं ना 15 इंच का पतला लैपटॉप, तो ये हल्का है भाई उस हिसाब से। स्पेसिफिकेशन देखें तो प्रोसेसर इसके अंदर हमारे पास i5 1335U, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 2 परफॉर्मेंस कोर्स है इसमें 8 एफिशिएंसी कोर्स के साथ। और यू अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इंटेल की यू सीरीज, पी सीरीज और एच सीरीज आती है। एच सीरीज अपनी हाई एंड गेमिंग के लिए होती है, और यू सीरीज बेसिक थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए आती है, और ये थिन एंड लाइट है ना तो यू सीरीज है। रैम इसके अंदर 16GB की DDR4 डुअल चैनल रैम, और जितना मैंने रिसर्च किया 16GB तक ही मैक्स ही अपग्रेड हो सकता है, बाकी कंफर्म कर लेना एक बार। वैसे जिस बजट में ये आ रहा है, इस बजट में कई सारे लैपटॉप में DDR5 रैम आ रही है, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं HP वाले। अब इसमें सपोर्ट है यानी DDR5 का, वो भी कहीं पर मेंशन नहीं था। ग्राफिक्स इसके अंदर इंटीग्रेटेड वाले आईरिस एक्सी ग्राफिक्स, और ये 8GB दिखा रहा है, लेकिन IGP अपनी रैम से ही मेमोरी लेता है, तो इस वजह से मतलब 8GB ग्राफिक कार्ड नहीं है ये मत समझना। बाकी स्टोरेज इसके अंदर 512GB की Gen 3 SSD, रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो, और SSD अपग्रेड के लिए भी कोई एक्स्ट्रा स्लॉट है या नहीं वो भी कहीं मेंशन नहीं था, तो ये भी भाई HP वाले जानते हैं। मैं इसे खोल नहीं सकता वरना बता देता। बाकी जिस स्लॉट में 512GB लगी हुई है इसके अंदर तो तुम डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो इसको हटा करके, और मिनिमम 1TB तक तो वो भी आराम से कर सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3, और MS Office होम एंड स्टूडेंट भी है 2021 वाला लाइफ टाइम के लिए। ऐश करो मस्त वाली। तो अगर तुम दिल्ली नोएडा गाजियाबाद से देख रहे हो तो ये वाला पार्ट तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं भी हो वहां से तो भी देख लो। तो अगर तुम्हें कोई भी लैपटॉप खरीदना, गेमिंग नॉन गेमिंग या फिर कैसा भी लैपटॉप, तो तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर ब्रांड का लैपटॉप अवेलेबल है, फाइनेंस की फैसिलिटी भी है, और किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो। बाकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और भाई का रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा, करो संपर्क। अब अगर सीधा परफॉर्मेंस देखें तो मैंने इसमें कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे, सिनेबेंच R23, गीकबेंच 6, क्रॉसमार्क PCMark 10, तो इनसे तुम CPU की पावर को दूसरे लैपटॉप्स के साथ कंपेयर करके पता कर सकते हो कि इस लैपटॉप में कितनी ताकत है बाकियों के मुकाबले। बाकी प्रैक्टिकली बताऊं तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है, क्योंकि 13 जनरेशन है ऑब्वियसली, तो स्टूडेंट लेवल का तुम कोई भी काम कर सकते हो, प्रोग्रामिंग, कंटेंट कंजम्पशन, ब्राउजिंग वगैरह, प्रेजेंटेशन बनाना, या फिर डे टू डे लाइफ वाले कोई भी काम करोगे ना बहुत ही स्पीड से होंगे, मतलब लिटरली मजा आ जाएगा तुम्हें। और अगर थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी भी करना चाहते हो तो फोटो एडिटिंग तुम किसी भी लेवल तक की आराम से कर लोगे, बट अगर वीडियो एडिटिंग करते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 1080-60 तक कर सकते हो हाई लेवल, नो डाउट, बट अगर 4K तक जाओगे तो मीडियम लेवल हो जाएगी, बट ज्यादा हाई एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यू सीरीज का प्रोसेसर है, कम पावर कंज्यूम करने के लिए बना है, तो ज्यादा ताकत नहीं दे पाएगा, और परफॉर्मेंस स्कोर भी इसमें लिमिटेड है। मैंने जितना प्रीमियम रोम टेस्ट किया उस हिसाब से बता दिया, मतलब 4K 60 रन कर रहा था, बट बहुत ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम कर रहे हैं तो वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, इंटीग्रेटेड पे कितने ही काम कर लोगे भाई, मतलब बेसिक लेवल के काम कर पाएगा, क्योंकि आईरिस एक्सी ग्राफिक है वो भी इसलिए। बाकी अगर तुम कैजुअली गेमिंग वेमिंग करना चाहते हो तो मैंने कुछ 2-3 गेम टेस्ट करे ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए, एक बार उन पे नजर डाल लो। तो पहले हमने वैलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे, और हाई प्रीसेट पे हमें 100+ FPS मिल रहे हैं, जो कि मेरे को बहुत सही लगा। तो मतलब तुम आराम से कैजुअली कभी भी वैलोरेंट खेल रहे हो तो बढ़िया वाला गेम प्ले मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ रैम अच्छी होने की वजह से डुअल चैनल है तो अच्छे FPS भी मिल रहे, ये भी एक रीजन हो सकता है। बाकी टेम्परेचर देख सकते हो तुम, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं गए तो सही है।
थिन एंड लाइट के हिसाब से। देन GT5 टेस्ट किया 1080p रेजोल्यूशन पे, नॉर्मल वाले प्रीसेट पे जो बिल्कुल लो वाला होता GTA का, तो इसमें हमें 40-50 FPS मिल रहे थे। अब आयरिस एक्सी से ज्यादा उम्मीद क्या ही करोगे, मतलब यूं है कि भाई प्लेबल हो जाता है गेम, 1080p पे इतना चल रहा है तो तुम कैजुअली मजे लेने के लिए खेलना चाहो तो खेल सकते हो। और यहाँ पे 16GB रैम का भी फायदा हो रहा है, इसीलिए हम इतना अच्छा खेल भी पा रहे हैं, वरना बिना ग्राफिक कार्ड के तो यार मुश्किल हो जाता है ना। तो थोड़ा और ज्यादा हाई पुश करने के लिए मैंने RDR2 टेस्ट कर दिया लो प्रीसेट पे, बट ये खेलने लायक नहीं था, 15-20 FPS से ज्यादा हमें नहीं मिल रहे थे, तो ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। GTA जितना खेल सकते हो बस। गेमिंग में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे दी इसने, और अगर तुम चाहते हो हम भी ऐसी परफॉर्मेंस देते रहे तो लाइक सब्सक्राइब भी मार दो यार, मतलब 97% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, कर दो अब तो। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक USB टाइप ए 3.2 जेन 1 वाला पोर्ट, एक HDMI 1.4B का पोर्ट, एक अपना टाइप सी 3.2 जेन 1 वाला पोर्ट, और इसके टाइप सी पोर्ट में ना चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है एंड डिस्प्ले आउटपुट भी ये सपोर्ट नहीं करता, तो ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा एक थिन एंड लाइट महंगे लैपटॉप के हिसाब से, बाकी HDMI से तो डिस्प्ले ले सकते हो। और एक अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो, तो HDMI वाले पोर्ट्स हमने अभी अटैच किया और 4K 60Hz डिस्प्ले शेयर हो जाएगी IGPU से, एंड टाइप सी से डिस्प्ले शेयर करने पे ये दिखाता है, तो हमने यहाँ पर करी और अभी नो सिग्नल है। राइट साइड पे भी हमें एक USB टाइप ए 3.2 जेन 1 वाला पोर्ट मिलता है और एक अपना पावर इनपुट का पोर्ट, बाकी अंदर हमें ग्रे फिनिश के साथ कीबोर्ड मिलता है इसका, राइट साइड पे कुछ स्टिकर्स है और अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और काफी हद तक सही काम करता है, मैंने इसे टेस्ट किया, बढ़िया फिंगरप्रिंट। तो सेंटर में मिलता है हमें एक अच्छे खासे साइज का टच पैड और ये फुल टच है तो क्लिकी फीडबैक देता है, ऐसा काम वाम करने में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी और जेस्चर्स वगैरह भी आराम से चलते हैं, तो फीडबैक भी बढ़िया है। बाकी मुझे इसका कीबोर्ड बहुत सही लगा, मतलब एकदम टेक्टाइल वाला फीडबैक देता है और सॉफ्ट एंड क्लिकी फीलिंग देता है, तो कीबोर्ड में तुम्हें नो डाउट मजा आने वाला है अगर तुम टाइपिंग वाइपिंग या फिर प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो। और व्हाइट कलर की बैकलाइट है 2 लेवल की ब्राइटनेस के साथ, तो अंधेरे में भी काम वाम कर सकते टाइपिंग वाले। बाकी फंक्शन की इस पर भी ढेर सारे शॉर्टकट है, यूज करो आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसका पावर बटन भी बीच में ही दे रखा है, पर टेंशन मत लो, एक बार दबाने से बंद नहीं करेगा लैपटॉप, तुम्हें होल्ड करके रखना पड़ेगा तब तुम्हारा लैपटॉप स्विच होगा, तो अगर गलती से हाथ लगता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन आती है अपनी डिस्प्ले, और इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस की एक FHD 1080p रेजोल्यूशन वाली TFT वाली माइक्रो एज एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, पीक ब्राइटनेस कहीं पर मेंशन नहीं थी, बाकी जितना मैंने यूज किया मुझे 250 निट्स के आसपास लगी, जैसी यूजुअली आती है लैपटॉप्स में, इंडोर के हिसाब से ठीक है बट आउटडोर में थोड़ी कम लग सकती है, और अगर धूप है तो काफी कम लग सकती है। 60Hz का रिफ्रेश रेट है और 45% NTSC है इसके अंदर। अब HP से माइक्रो एज डिस्प्ले कहता है, TFT नहीं कहता, मतलब ये टर्म यूज नहीं करता, बाकी है तो ये TFT मुझे तो पता ही है। बट एक चीज कहना चाहूंगा, क्वालिटी वाइज ये ना जो नॉर्मल TFT डिस्प्ले आती है उनसे बहुत ही बेटर है। लाइक मैंने लास्ट टाइम Aspire 5 रिव्यू किया था, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला, उसमें TFT डिस्प्ले थी, उससे थोड़े से ज्यादा ही मान के चलो व्यूइंग एंगल भी और कलर्स भी उससे बेटर लगे मुझे, पर हां IPS का मुकाबला नहीं है, तो समझ लो IPS से नीचे है बट TFT से थोड़ी ऊपर मान के चलो क्वालिटी वाइज। तो अगर डे टू डे लाइफ वाले काम है, नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन वगैरह करते हो, गाने वाने सुनते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम सामने से देखोगे तो तुम्हें काफी हद तक IPS वाला मजा देगी, बट लेफ्ट राइट से देखोगे तो थोड़ी फीकी लग सकती है। कलर एक्यूरेसी रेकमेंड नहीं करूंगा, बाकी नॉर्मल काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, IPS तो देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। बाकी डिस्प्ले के ऊपर अपना प्राइवेसी शटर वाला 1080p रेजोल्यूशन वाला वेब कैमरा, इसका वेब कैमरा माइक भी इसी का यूज हो रहा है तो आवाज भी देख लो कैसी है भाई, और पंखा चल रहा है तो नॉइज कैंसिलेशन लग गया होगा आइडिया, बाकी मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब मार के जाना, उसके बिना मत जाना। स्पीकर्स की आवाज बढ़िया लगी मुझे, मतलब अच्छी खासी लाउड है और तुम्हें क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी और कोई ऐसा डिस्टॉर्शन भी नहीं है, स्पीकर से थोड़ा इंप्रेस हो गया मैं, मस्त गाने वाने सुनो कोई दिक्कत नहीं है। अब थिन एंड लाइट है तो बैटरी की बात नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, इसीलिए तो लेते हैं हम। तो इस लैपटॉप में हमारे पास है 3 सेल वाली 41 वाट आवर्स की बैटरी, जाना तो कैपेसिटी तो कम लगी मुझे, और बाकी जितना मैंने इसे यूज किया लो ब्राइटनेस पे हल्के फुल्के काम करके, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, बैटरी सेवर पे लगा के, यूं मान सकते हो कि 5 घंटे के आसपास बैकअप दे देगा, थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन यूसेज, मतलब मुझे 5 घंटे के आसपास मिला, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मान के चलो, जो कि डिसेंट है, मतलब इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, पर दिन भर के छोटे मोटे काम चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉलेज वगैरह के हिसाब से, मतलब टोटली यूसेज पे डिपेंड है, कम भी मिल सकता है ज्यादा भी मिल सकता है, 5 घंटे के आसपास मान के चलो, दिन भर के काफी काम तो निकाल ही देगा अगर कॉलेज स्टूडेंट भी हो तो भी। बाकी आज की डेट में ये लैपटॉप कुछ 66-67,000 का चल रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेटेस्ट प्राइस चेक कर लेना, और खरीदना तो खरीद भी लेना। तो इस बजट के हिसाब से तुम जो फीचर्स एक्सपेक्ट करोगे वो ज्यादा तो नहीं है और कम भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें इसमें अच्छी भी मिलती है हमें, बट कुछ चीजों से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ, तो बिल्कुल एकदम बैलेंसिंग सी कर रखी है, क्योंकि अभी 13 जन ना थोड़ा एक्सपेंसिव साइड चल रहा है, इस वजह से हमें ये लैपटॉप महंगे मिल रहे हैं, जैसे अब 12 जन सस्ती होगी वैसे आने वाले टाइम पे ये भी सस्ते हो जाएंगे, बट हाँ फिर परफॉर्मेंस का डिफरेंस तो है यार 12 जन के कंपैरेटिवली, और 70,000 के आसपास ना हमें OLED वाले लैपटॉप्स मिल जाते हैं 13 जनरेशन वाले भी। मैंने Vivo Book S15 रिव्यू किया था, उसमें हमें OLED मिलती है, कुछ 5-7 हज़ार रुपये महंगा इससे, बट परफॉर्मेंस और काफी सारी चीजें इससे
बेटर है। और एक मैंने लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 5 रिव्यू किया भी, 13500H वाला, उसमें डिस्प्ले भी इससे बेटर है, पोर्ट्स वगैरह भी अच्छे हैं और काफी सारी चीजें तगड़ी हैं उसके अंदर, और वो वाला भी इससे कुछ 5000 ही महंगा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर 60000 के आसपास देख रहे हो तो 13 जनरेशन के हिसाब से बुरा नहीं है, बट अगर 12 जनरेशन की तरफ जाओगे तो तुम्हें इससे बेटर डील मिल जाएगी डेफिनेटली। तो एक बार अपने हिसाब से देख लेना, थोड़ा वेट करो, इसका प्राइस कम हो जाए उसके बाद ये भी सही है भाई, लेने लायक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थिन एंड लाइट के हिसाब से जो फीचर्स ये दे रहा है वो मेरे को ठीक ही लगे। तो एक बार वो सारे लैपटॉप्स भी चेकआउट कर लेना, देन अपना डिसीजन बनाना। बाकी इसके बारे में मैंने सारी चीजें बता दी है, अगर खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर खरीद सकते हो और इन वीडियोस का भी चेक कर सकते हो। मजा आ गया तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।